उसके फ्रेंड उनसे मिलने, आज करेंगे वो रात को यहीं पे स्टे। समायरा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। हाँ जी, कम वेलकम, आओ 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 आओ। ये है, शी इज मायरा एंड शी इज माही। हेलो माही। हेलो मायरा। हेलो, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। बी कंफर्टेबल। दीदी को चिंता मत करो, पार्क लेके जाऊंगी। पार्क लेके जाओगे? अच्छा। माही माही के टीथ कहाँ गए? माही आपके टीथ कहाँ गए? टूट गए? हाँ, क्योंकि माही बड़ी है ना अधीरा से, बड़ी है, है अधीरा? माही दीदी बड़ी है ना आपसे? मैं इसलिए चाहती हूँ मैं उससे बड़ी हूँ। पढ़ी नहीं आपसे बड़ी है? बड़े लगते हो। हाँ जी, कहाँ चली सवारी? हम तो चले पार्क में। पार्क में तो अभी आए हुए, तो 5 मिनट्स भी नहीं हुए अभी से पार्क। तो जल्दी आना बेटा, ठीक है? मैं क्या बनाऊँ तुम लोगों के लिए? पास्ता है मायरा, पास्ता खाओगी? ओके ठीक है, जल्दी आना, गर्मी है बाहर बहुत ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समायरा अधीराज ब्लॉग। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। तो आज के ब्लॉग में बच्चे आए हैं, मेरे बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो दोनों। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दिन में एक दो बार कपड़े चेंज करना तो बनता ही है। आप लोग ये मत सोचना कि मैंने इधर उधर से वीडियो इकट्ठी करके इस ब्लॉग में डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्लॉग की। तो ये है पास्ता और हम बनाते हैं आज पास्ता, यम्मी यम्मी पास्ता। क्या कर रही है? नो, डोंट डू दिस, नो अधीरा, डोंट डू इट अगेन। ओ बहुत इजी है इसे बनाना, इतना कोई झंझट का काम नहीं है कि बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर आपको मेरी इजी रेसिपी पसंद आएगी, तो देखते रहिए मेरे साथ मेरा ब्लॉग। तो पास्ता के लिए हम पहले उसका व्हाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। मैंने लिया है थोड़ा सा बटर, बटर के अंदर मैंने अदरक डाली है, लहसुन डाला है, उसको थोड़ा सा पकाया है। पकने के बाद अब उसमें आधा कटोरी मैदा डाल दिया है, उसको भी अच्छे तरह से भूनना है, काफ़ी अच्छे तरीके से भूनना है, नहीं तो फिर उसमें कच्चा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, नमक डाला है और बाद में फिर दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद उसको बहुत अच्छे से चलाना है ताकि उसमें लम्स ना पड़ जाए। लम्स पड़ जाते हैं तो फिर वो मुँह में आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको मैंने बहुत देर तक स्टर किया है तो ये कुछ ऐसा हो गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पास्ता। ये मैंने इसमें लहसुन और अदरक डाली है और उसके बाद इसमें प्याज डाले हैं, साथ में मैंने हरी शिमला मिर्च और रेड और येलो शिमला मिर्च भी काट के रखी हैं, जिनको बेल पेपर बोलते हैं। बच्चों को ये अच्छी लगती हैं, इनका टेस्ट इतना वैसा नहीं होता तो बच्चे इसे खा लेते हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंची टेस्टी रखना है। फिर बाद में जो पास्ता मैंने बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल देना है, और वाइट सॉस जो पास्ता सॉस बनाया था वो भी डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें ओरिगैनो जो हर्ब्स होते हैं वो डालने हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये मैंने ऊपर से ओरिगैनो डाल दिया है। तो तैयार है हमारा पास्ता, तो लीजिए ये हो गया रेडी हमारा पास्ता। तो मैंने पास्ता बना दिया है बच्चों के लिए, वो खा रहे हैं। चलिए बच्चों से ही पूछते हैं कैसा बना है पास्ता। कैसा बना है बच्चों? अच्छा, पास्ता कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा लगा।
अधीरा को पसंद आया? माही को भी बहुत। माही आपको कैसा लगा? अच्छा। मायरा अच्छा। सारू अच्छा लगा? हाँ। ओके, तो बच्चों ने पास्ता खा लिया है, बड़े मजे से ही खाया है उन्होंने, कह रहे थे कि अच्छा लगा है, तो आई थिंक अच्छा ही लगा होगा। तो थोड़ा सा मैंने बीच में गैप ले लिया, बैठ गई, चाय वाय पी ली, उसके बाद अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैं घिया की सब्जी बना रही हूँ। तो ये रात को अगर हम घिया तोरई ऐसी हरी सब्जियाँ खाते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए हेल्दी होती हैं। तो इतने मेरी सब्जी तैयार होती है, मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। मैं रात को झूठे बर्तन रख के, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं झूठे बर्तन रख के सोऊं। क्या है इसका? 10 seconds तक सारे ये डियर आए हैं, 10 seconds तक घूमना है। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेरी गुड। मैंने वो सब कंप्लीट कर लिया है, डिनर वगैरह सब बच्चों ने, सब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी सारी लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि दीदी अपनी किचन आप हमें एक बार दिखा दो, किचन टूर करवा दो। तो मैं थोड़ी सी छोटी सी एक क्लिप बना लेती हूँ जिसमें मैं आप लोग देख सकते हो कि रात को मैं अपनी किचन कैसे रख के सोती हूँ। मैं अपना पूरा किचन, ये मेरी शुरू से ही आदत है, मेरी शादी को 10-11 साल हो गए हैं, किचन रात को एकदम क्लीन करके सोती हूँ। तो लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर देखिए। और एक और बात, अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे DM कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिवर्ट बैक करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको कराती हूँ अपनी किचन का टूर। क्लीन करके सोती हूँ, तो आज
आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था। अब 10 बज गए हैं तो बच्चे भी थक गए हैं, तो उन्हें दूध वगैरह देके अब उनका भी सोने का टाइम हो गया है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो मच, बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।